हेलो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है तुम लोगों का। तो मेरा नाम है फिनिक्स एंड तुम लोगों का स्वागत है पोकेमोन ब्लू वर्जन के गेम प्ले के पार्ट 4 में। तो लास्ट एपिसोड में तुमने देखा कि मैंने रूट 4 से होते हुए मैं माउंटेन मून से होते हुए आ गया सुरेलियन सिटी। एंड इस एपिसोड में मैं क्या करने वाला हूँ मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो फर्स्ट मैं करने वाला हूँ मिस्टी को चैलेंज जिम बैच के लिए, उसके बाद मिस्टी को हराने के बाद मैं पूरा सुरेलियन सिटी को एक्सप्लोर करूँगा, उसके बाद फिर बिल से मिलने जाऊँगा। तुम्हें पता है बिल से क्यों मिलने जाना होगा हमें, अगर बिल से मिलने नहीं गए तो हमारा गेम कंप्लीट नहीं होगा। तो सुरेलियन सिटी ए मिस्टीरियस ब्लू ऑरा सराउंडेड, मैं ये पर क्यों रहा हूँ पता नहीं ब्रो। सुरेलियन सिटी पोकेमोन जिम लीडर मिस्टी दी टॉम बॉयज मरमेड, ठीक है ब्रो। यू आर ए ट्रेनर टू कलेक्टिंग फाइटिंग, इट्स ए टफ लाइफ। लाइफ तो टफ है ब्रो, लेकिन मज़ा बहुत आता है। ये भी एक ट्रेनर है, मैं भी एक ट्रेनर। मैं क्या बोलते हैं, इस चैम्पियन मेकिंग से बात नहीं करने वाला, मैं सीधा मिस्टी को चैलेंज करने जाऊंगा। ओके, ये बंदा मुझसे बैटल करना चाहेगा। स्प्लैश, आई एम फर्स्ट अप, लेट्स डू इट। यस ब्रो, चलो करते हैं पोकेमोन बैटल। देखता हूँ ब्रो इस बंदे के पास कौन सा पोकेमोन है। स्विमर, ओके स्विमर। इस स्विमर के पास है हॉर्सी 16 लेवल का, एंड अपना पिकाचू भी 16 लेवल का है, लेकिन पिकाचू ज़्यादा जी सकता है क्योंकि पिकाचू के पास एडवांटेज है। तो हॉर्सी यूज़ कर रहा है भाई बबल, बबल यूज़ कर रहा है पिकाचू के ऊपर। ज़्यादा डैमेज तो नहीं दिया, लेकिन अपना पिकाचू जरूर डैमेज देगा। ओके, थोड़ा सा एचपी बच चुका है हॉर्सी का, तो एक फाइनल थंडर शॉक से हॉर्सी को कर देता हूँ मैं फेंडेड। ब्रो हॉर्सी हो गया फेंडेड, एंड पिकाचू गेन 283 एक्सपीरियंस पॉइंट, एंड पिकाचू ग्रो टू लेवल 17। अपना लॉन्टा 17 का हो गया। अब स्विमर इज अबाउट टू यूज सेल्डर, अब ये सेल्डर यूज करने वाला है ब्रो। सेल्डर, सेल्डर भी 16 लेवल का है। तो पिकाचू यूज थंडर शॉक, ठीक है भाई। सेल्डर के ऊपर कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट कर गया, एंड सेल्डर टैकल यूज़ किया, लेकिन टैकल से कुछ नहीं होगा। एंड एक और फाइनल थंडर शॉक से शेल्डर को कर दिया हमने फेंटेड। ओके भाई, स्विमर को तो डिफीट कर दिया है, दैट कैन बी, लेकिन ये हैपन ब्रो, इट्स हैपन, वट एवर हैपन इट्स हैपन। मिस्टी इज गोइंग टू कीप इम्प्रूविंग, सी वॉन्ट लूज टू समवन लाइक यू। भाई अपना वर्ड ना अपने पास ही रख, क्योंकि अब वो हारने वाली है मुझसे। तो मैं ब्रो पोकेमोन सेंटर से जल्दी से हील कर लेता हूँ अपने पोकेमोन, एंड वापस चलता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है मैंने पोशन नहीं लिया। पता नहीं मैं इतना क्या बोलूँ ब्रो, डम क्यों हूँ। ओके, एक और ट्रेनर मिस्टी के जिम से। आई एम मोर देन गुड इनफ फॉर यू, मिस्टी कैन वेट। अच्छा ठीक है भाई, मिस्टी को वेट कराता हूँ मैं। करने दो मिस्टी को वेट, मैं तुमसे बैटल करता हूँ जूनियर ट्रेनर। ओके, इस जूनियर ट्रेनर के पास एक ही पोकेमोन है, वो है गोल्डिन, और उसका लेवल है 19। तो पिकाचू यूज थंडर शॉक, इस गोल्डिन को मैं आराम से हरा सकता हूँ ऐसा मुझे लगता है। तो वो देखते हैं ब्रो कौन किसको हराता है। तो एक और थंडर शॉक ब्रो, कम ऑन गोल्डिन, फेंटेड हो जा, ठीक है। ये टेल वेव से अपना डिफेंस फिल कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब ये तो फेंडेड हो जाएगा, तो अब क्या उसका डिफेंस का ऐसा क्या ऐसा। ब्रो पिकाचू को एक्सपीरियंस देखो कितना मिला, पिकाचू गेन 451 एक्सपीरियंस, अभी तक का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है, ठीक है भाई। यू ओवरवेल्ड मेड मी, अबे मैंने बोला था तुझे बैरल करने मुझसे, अभी हारने के बाद क्या बक रही है तू। यू हैव टू फेस अदर ट्रेनर टू फाइंड आउट हाउ गुड यू आर, यू रियली आर। आओ मैं वो बाद में करूँगा, अभी हट, मुझे जिम बैटल करना है। हाय, यू आर ए न्यू फेस। हाँ मेरा सर्कल नया है, कल ही मैंने एक शॉप से ख़रीदा है, एंड मतलब रिप्लेस किया है। ट्रेनर हु वांट टू टर्न प्रो हैव टू हैव ए पॉलिसी अबाउट पोकेमोन। कौन सी पॉलिसी के बारे में बात कर रही है, या फिर वाटर टाइप, या उस, अच्छा What is your approach when you catch Pokemon? कुछ भी नहीं, बस champion बनना है मुझे। My policy is a all out of offensive with water type Pokemon। ऐसा बोलना है सीधा सीधा कि मैं एक water type trainer हूँ।
ऑफेंसिव ऑफेंसिव खुद को इतना हाइप बनाने की क्या जरूरत है मिस्टी। मिस्टी वांट टू फाइट, ठीक है। मिस्टी का सबसे पहला पोकेमोन है स्टायू जो कि 18 लेवल का है। पिकाचू, तुझे इस स्टायू को हराना होगा। ओ भाई, स्टायू ने सबसे पहले अटैक किया और वो वाटर गन, भाई तुमने देखा कितना डैमेज दिया। कम ऑन पिकाचू, फिर से स्टायू ने वाटर गन यूज़ किया। पता नहीं ब्रो मैं इसे हरा पाऊंगा कि नहीं। जरूर हरा पाऊंगा भाई। स्टायू फेंडेड हो जा ब्रो, कितने बार मैं यूज़ करूंगा तेरे ऊपर थंडर शॉक। फाइनली स्टायू तो फेंडेड हो गया। ओके भाई, पिकाचू को एक्सपीरियंस मिला 408 का, ठीक है। एंड पिकाचू ग्रो टू लेवल 18। मिस्टी इज अबाउट टू यूज स्टामी, तो अब मिस्टी का फाइनल पोकेमोन है स्टामी। ब्रो कम ऑन पिकाचू, स्टामी को हराना होगा भाई। स्टामी ने टैकल यूज किया, थोड़ा सा एचपी बच गया है पिकाचू को, 2 HP। एंड थंडरस्ट्रॉक ज़्यादा काम नहीं किया, पता नहीं क्यों। स्टामी ने बबल बीम क्यों यूज़ किया ब्रो मेरे ऊपर, तो ठीक है भाई। अब वाटरटल तुझे हराना होगा इस स्टामी को, अपना मतलब प्राइड के लिए हराना होगा ब्रो। मैं बाइड यूज़ करता हूँ भाई, क्योंकि अब ये टैकल यूज अटैक करेगा तो उसे मैं डबल डैमेज दे सकता हूँ। अगर इसने कोई कोई पावरफुल अटैक कर दिया एंड मैं बच गया तो मैं स्टामी के ऊपर ज़्यादा अटैक कर सकता हूँ, ठीक है। देखा तुमने, बाइड ही यूज़ करूँगा। अबे स्टामी अपना डिफेंस बढ़ा रही है, लेकिन कोई बात नहीं स्टामी, तुम उसे बच नहीं सकती। ओके कम ऑन ब्रो, एक और टैकल यूज़ करो मेरे ऊपर भाई। स्टामी का टैकल मिस हो गया, लेकिन अपना अटैक नहीं मिस होगा। डबल डैमेज, डबल मनी, टोबी मैगवायर वाला डायलॉग, आई नीड दैट मनी। एक और बाइट ब्रो। ओके टैकल भाई, ओ ठीक है, स्टामी ने कोई पावरफुल अटैक नहीं यूज़ किया, अच्छा हुआ भाई। बबल बीम, ठीक है ब्रो, नहीं यूज़ किया तो ठीक है। ओ भाई, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो इससे मिला मुझे, 931 वाटर टेल को एक्सपीरियंस मिला है। वाटर टेल ग्रो टू लेवल 20, अपना लौंडा 20 का हो गया, ठीक है, नाइस। वाओ, यू आर टू मच, ऑल राइट, यू कैन हैव द कैस्केड बैज टू शो यू बीट मी। फाइनली ब्रो मुझे कैस्केड बैज मिल गया एंड 2079 पोके डॉलर भी, नाइस विनिंग प्राइस। द कैस्केड बैज मेक ऑल पोकेमोन अप टू लेवल 30 वो बे that include even outsider, there are more, you can now use cut anytime. Abhi main cut kahin par bhi use kar sakta hu. You can cut down small bushes to open new path. Mujhe laga ki ye bolegi tu cut attack se bush ko cut karke money, pata hai na money paisa kama sakta hai. Aur isne apna ek favorite TM bhi diya hai. ओके बबल बीम, ठीक है, यूज़ इट ऑन एक्वेंटिक पोकेमोन। मेरे पास है एक वाटर टाइप पोकेमोन एंड मैं ये सिखाने वाला हूँ अपने वाटर टेल को ब्रो। वाटर टेल ही सीख सकता है, और कौन सीख सकता है। बबल बीम, तो कौन सा मूव मैं डिलीट करूँ भाई, सारे तो मुझे मस्त लग रहे हैं। बबल को डिलीट करता हूँ, बबल को डिलीट करके, डिलीट नहीं भाई, फॉरगेट करके बबल बीम सिखा दिया है मैंने, नाइस। फाइनली भाई मुझे अपना कैस्केड बैच मिल गया। तुम देखो भाई, मेरे पास अभी 2 पोकेमोन बैच है, यस, अभी और 6 बैच जीतना बाकी है, वो भी जीत लूँगा मैं। तुम देखते जाओ, बस देखते जाओ मैं कैसे जीतता हूँ। बस अब मिस्टी को तो हरा दिया, अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ सुरेलन सिटी को, तो जल्दी से एक्सप्लोर करता हूँ। स्लो ब्रो पंच, नो यू ब्लू इट अगेन। ये स्लोब्रो को तो कोई पंचिंग मूव सिखा रही है ये लड़की, ठीक है ब्रो। मैं पोकेमोन मार्ट में कुछ ले लेता हूँ। यूज रिपल टू कीप बक एंड वीक पोकेमोन अवे, पुट योर स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन एट द टॉप ऑफ द लिस्ट फॉर बेस्ट रिजल्ट, ठीक है भाई। मैं रिपल जरूर यूज़ करूँगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना, तुमने देखा माउंटेन मून में कितने वाइल्ड पोकेमोन आए। हैव यू सीन एनी रेयर कैंडी, यस मैंने एक मिला था मुझे माउंटेन मून में एंड मैंने पिकाचू के ऊपर यूज़ किया था, लेवल अप हो गया था अपना पिकाचू का। इट्स सपोज टू मेक पोकेमोन गो टू अप टू 1 लेवल, या लेकिन मैं बाय नहीं कर सकता रेयर कैंडी किसी भी शॉप में, तो सबसे पहले मैं बेचता हूँ। क्या क्या चीज़ें मुझे बेचना है, अबे हटना, अभी पहले बेचने देना। मैं ये क्यों बोलता हूँ भाई, हटना वटना। ये TM12 कौन सा अटैक था भाई, देखना पड़ेगा एक बार।
एक बार देख लेता हूँ TM-12 कौन सा अटैक था। अबे हाँ, वाटर गन। वाटर गन का मैं करूँगा क्या, तो मैं इसे बेच देता हूँ वाटर गन को। इससे इसको बेचने से 500 मिलेगा। नहीं भाई, इतना भी अच्छा नहीं है डील। डूम फॉसल को भी नहीं बेच सकता, $0 में मिलेगा मुझे। ओ मून स्टोन था क्या? मून स्टोन को बेचने से भी मुझे मनी नहीं मिला, पता नहीं क्यों। डूम फॉसल नहीं, डूम फॉसल को तो मैं बेच नहीं सकता। TM-44 500, भाई ये बहुत कम दे रहा है प्राइस। मैं सोच रहा हूँ कि नहीं बेचता हूँ भाई, रख लेता हूँ अपने पास। इसके प्रूफ को बेच देता हूँ, वैसे मैं इसका यूज़ नहीं करने वाला, तो इसके प्रूफ को बेच देता हूँ। ठीक है, 240 मिल गया। ठीक है, ओह भाई कुछ चीज़ें भी तो बाई करना था, मैं भूल क्यों जाता हूँ। तो सबसे पहले तो पोशन लेना है ब्रो। पोशन लूँगा मैं, 10 पोशन लूँगा। अभी नहीं लिया क्या? माइनस क्यों किया मैंने? ओके, तो 10 पोशन ले लेता हूँ मैं। ओके, पोशन ले लिया। एंड रिपेल ले लेता हूँ कम से कम, यस 6 रिपेल, क्योंकि और मनी नहीं है मेरे पास। एंटीडोट एक, बन हिल भी लेता, लेकिन मेरे पास मनी ख़त्म हो गया ब्रो। अभी मैं वापस ब्रोक हो गया। ओके, इधर एक और शॉप है, ये किस चीज़ का शॉप है? ये है बाइक शॉप। बाइक तो मैं ख़रीद नहीं सकता, तुम्हें पता है क्यों नहीं खरीद सकता मैं? ए प्लेन सिटी बाइक इज़ गुड इनफ फॉर मी। यू कैंट पुट ए शॉपिंग बास्केट ऑन AMTB। ओके, ठीक है। दिस बाइक्स आर कूल बट दे आर वे एक्सपेंसिव। यस ब्रो, हाई वेलकम टू आवर शॉप, बाइक शॉप। हैव यू गॉट जस्ट द बाइक फॉर यू? नहीं चाहिए बाइक, प्राइस देख के अपना बाइक मतलब नीचे जा चुका ब्रो। कुछ तो मैं बोलने वाला था इधर, लेकिन भूल गया। आई वॉन्ट ए ब्राइट रेड बाइसाइकिल, आई विल कीप इट एट होम सो इट वॉन्ट गेट डर्टी। ओके ब्रो, वैसे तुम अगर डर्टी होने से डरते हो अपने साइकिल का, तो क्या बोलूँ फिर मैं? इधर साइकिल ही मत लो, डर्टी ही नहीं होगा। यू आर मेकिंग ए इंक्लूपीडिया ऑन पोकेमोन, दैट साउंड अमेजिंग। या लेकिन मैं इसे करने नहीं वाला। तूने कॉम्प्लीमेंट दिया ठीक है भाई, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं करूँगा। दैट बुश इन फ्रंट ऑफ शॉप इज द इन द वे, देयर माइट बी ए वे अराउंड। यहाँ से निकलने का और भी रास्ता है, ये बंदा बोल रहा है मुझे। जब मैं निकलना चाहूँगा तब ढूंढ लूँगा भाई, इतना बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। हेलो देयर, डू यू वॉन्ट टू ट्रेड योर पॉली ऑयल फॉर माई चेंज? नो, मेरे पास पॉली ऑयल होगा तभी तो मैं ट्रेड करूँगा। ओके, ये दद्दू को साथ तो ट्रेड नहीं हुआ। माई हस्बैंड लाइक ट्रेडिंग पोकेमोन। ट्रेडिंग क्यों बोला उन्होंने ब्रो? इफ यू आर ए कलेक्टर विल यू प्लीज ट्रेड विथ हिम? नहीं भाई, ट्रेड नहीं करना मुझे। वैसे मैं ट्रेड करना तो चाहता था, लेकिन मेरे पास जो पोकेमोन उस बंदे को चाहिए वो पोकेमोन है ही नहीं मेरे पास, तो मैं कैसे दूँ? ओके, ये ओल्ड मैन क्या करता है इस घर में? पोकेमोन बैस आर ओन ओनली बाय स्किल ट्रेनर। आई सी यू हैव एट लीस्ट वन। दिस बैस हैव अमेजिंग सीक्रेट। नाउ देन, विच ऑफ द 8 बैस शुड आई डिस्क्राइब? कैस्केड बैस, बोल्डर बैस एंड कैस्केड बैस तो जीत गया, थंडर बैस के बारे में बचा। द स्पीड ऑफ ऑल पोकेमोन इंक्रीज ए लिटिल बिट, इट ऑल्सो लेट यू यूज फ्लाइट आउटसाइड ऑफ बैटल। नाउ देन, ओके ठीक है, मुझे नहीं जानना, इतना नर्ड नहीं बनना ब्रो। इसे पता है उधर, इससे बात करके टाइम वेस्ट होता अपना, तो मैंने नहीं बात किया ब्रो। निकलता हूँ मैं इधर से और बिल से मिलने चलते हैं। ओ ब्रो, मैंने तो पोकेमोन सेंटर में जाके अपने सारे पोकेमोन को हील करना ही भूल गया ब्रो, तो जल्दी से हील कर लेता हूँ। एंड देन चलता हूँ मैं क्या बोलते बिल के पास। और एक और बात ब्रो, मैंने तो इन लोगों से बात ही नहीं किया, तो चलो पोकेमोन सेंटर में जो लोग हैं उनसे। दैट बिल, आई हेट दैट ही विल डू वट एवर इट टेक्स टू गेट रेयर पोकेमोन। लेकिन मैंने तो अभी तक उसके मतलब आज तक मैंने नहीं देखा उसके पास कोई रेयर पोकेमोन है। हाँ, एक था एनिमे में, एक जाइकेंटिक गैराडोस। हैव यू हर्ड अबाउट बिल? एवरीवन कॉल्स हिम ए पोकेमोनिक, क्योंकि वो पोकेमोन है इसलिए कॉल करते हैं उसे पोकेमोनिक बोल के। I think people are just jealous about Bill. True. Who wouldn't want
टू पूछ अबाउट देयर पोकेमोन. ये पोकेमैनिक मैंने गलत बोल दिया क्या? पोकेमैनिक मिनैक, पोकेमिनैक. ओ भाई आज तक मैं गलत बोलता था. पोकेमैनिक मिनैक मैनियक मैनियक मैनियक. भाई ट्रोल करेंगे अब मुझे, आई डोंट नो. पोकेमैनिक को मैं पोकेमैनिक बोलता था. व्हाट आई एम इडियट, आई डोंट नो ब्रो. बिल हैज लॉट ऑफ पोकेमोन, ही कलेक्ट रेयर वन टू. यस ब्रो, बहुत सुन लिया बिल के बारे में. अब बिल से मिलते हैं. किधर मिलेगा बिल? उसके लाइट हाउस में मिलेगा मुझे बिल. एंड मुझे नगेट ब्रिज से होते हुए जाना पड़ेगा बिल के पास. तो चलो ब्रो चलते हैं बिल के पास. ओ भाई गैरी, यो फिनिक्स, क्या हुआ भाई गैरी, कैसा है तू? यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग अलॉन्ग बैक हियर. नहीं मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है. आई एम डूइंग ग्रेट, आई बॉट ए बंच ऑफ, अब बहुत नहीं, आई क्या भाई इसने बाय किया होगा? नहीं, आई कॉट ए बंच ऑफ स्ट्रॉन्ग पोकेमोन, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट पोकेमोन. हे लेट मी सी व्हाट यू कॉट, लेट मी सी, देखते हैं भाई गैरी ने कौन से पोकेमोन को कैच किया था. लास्ट टाइम इसके पास अपना, अब भाई चार पोकेमोन है इसके पास. पिचियोटो, भाई पिचियोटो 18 लेवल का है, शायद मैं हारने वाला हूँ इससे, आई डोंट नो ब्रो. पिकाचू यूज थंडर शॉक. ओ ब्रो इसके पास पिचियोटो एंड चार पोकेमोन है यार. मेरे पास अभी दो पोकेमोन है, मुझे लेना चाहिए था एक, क्या बोलते हैं ब्रो, ए शिट मैन मैं भूल गया. हाँ पिची पकड़ना चाहिए था. एक और थंडर शॉक मारना पड़ेगा इधर, उसके बाद ही ये बंदा फेंडेड होगा, नहीं तो नहीं. पिजियोटो तो हो गया फेंडेड. 435 एक्सपीरियंस मिला. एब्रा, अब ये एब्रा यूज़ करने वाला है कैरी, जो कि 15 लेवल का है. तो थंडर शॉक यूज़ करते हैं भाई. एब्रा कुछ कर नहीं सकता मेरा, टेलीपोर्ट हो सकता है वो बंदा, लेकिन टेलीपोर्ट होके करेगा है क्या? तो बहुत टाइम लगा रहा था इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके एब्रा के ऊपर 5-6 थंडर शॉक मार के उसे फेंडेड कर दिया. एंड गैरी इज़ अबाउट टू यूज़ रेडेटा. भाई रेडेटा, इसके पास रेडेटा है. ओके रेडेटा को हराते हैं ब्रो. मेगा पंच, भाई साले ने सबसे पहले क्विक अटैक यूज़ किया, अपना एचपी भी बहुत कम है. कम ऑन. ओ भाई मेगा पंच, देखा तुमने कितना इफेक्ट किया. फिर से साले ने क्विक अटैक यूज़ किया, मुझे भी क्विक अटैक यूज़ करना चाहिए था. पिकाचू वापस पेंडेड हो गया. वाटर टैल आ जा भाई, पिकाचू का बदला ले इस क्या रेडेटा से. साले ने फिर से क्विक अटैक यूज़ किया, ये ले भाई वाटर ले. ओके रेडेटा गया. उसका स्टार्टअप पोकेमोन तो क्या है भाई, नेम भूल गया मैं उसका. हाँ बल्बसौर है, ठीक है भाई बल्बसौर अटैक कर मेरे ऊपर, मैं बाइट यूज़ करूँगा, देखता हूँ तू कौन सा अटैक करता है. ग्रोल, ग्रोल नहीं भाई, कोई अटैक करना तू. कम ऑन वाइन, हाँ वाइन वेप भाई, वाइन वेप ने इसने इतना डैमेज दिया. ये ले मेरा अनलिश एनर्जी ले, कैसा लगेगा तुझे अनलिश एनर्जी खा के, देखा कैसा लगा तुझे. लीशीड, अबे लीशीड यूज़ कर रहा है, लेकिन फिर से मैं बाइट यूज़ करूँगा एंड इसका अटैक लूँगा अपने अंदर. अबे मेरे पास बबल भी अटैक है तो मैं इतना क्यों डर रहा हूँ इससे, सीधा बबल भी मारता हूँ एंड इसको फेंडेड करता हूँ ना. कोई बात नहीं भाई, अनलिश अटैक लग जाए बस एक बार, ठीक है. बल्बसौर को तो अबे थोड़ा सा बच गया इसका, पता नहीं साले ने एब्जॉर्ब किया था इसीलिए शायद बच गया. कोई बात नहीं, अबे अभी तो मैं रिक्स में आ गया, ये अटैक मिस हो गया तो अब मैं तो जाऊंगा भाई, मैं रिक्स लेना नहीं चाहता, लेकिन कोई बात नहीं. ओ शिट मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? नो नो, ओह भाई मुझे लगा कि मैं शिट ब्रो नो भाई, इसीलिए किसी भी मतलब भरोसा नहीं करना है फेथ में, अपने लक में. लक जैसा कोई चीज़ नहीं होता, वो डिपेंड करता है तुम में ब्रो. या आई एम ग्रेट और व्हाट. अब भाई तू अपना बकचोदी वाला डायलॉग बंद करेगा. फिनिक्स इज आउट ऑफ, फर्स्ट टाइम मैं हार गया, फर्स्ट टाइम सिट ब्रो. साले गैरी तेरे को अब मैं छोड़ूंगा नहीं कमीने, तूने मेरे तूने मुझे हराया कैसे? वापस आप साले फिर से बैटल कर, मैं इस बार तेरे को इतना पेलूंगा ना तेरे इस पिचियोटो के ऊपर. मैं साले पिचियोटो को अब क्विक अटैक सिखा दिया तूने, या फिर पहले से ही आता था लेकिन तूने अटैक नहीं किया. ओके ब्रो
पैरालाइज कर दिया पिजियोटो को। नाइस, एक और थंडर शॉक एंड जल्दी से करते हैं इस पिजियोटो को फेंडेड एंड उसके बाद मैं बदला लूँगा बल्बोसोर से। साले ने कैसे अपने वाटर टर्टल को हराने की हिम्मत कैसा हुआ साले का भाई। पिकाचू ग्रो टू लेवल 19, ठीक है भाई 19 लेवल का तो हो गया अपना लौंडा। गैरी अबाउट टू यूज एब्रा, एब्रा का डैब्रा, मैं तेरा निकालता हूँ अवाडा का डावरा। ओके, इसके ऊपर मेगा पंच यूज करता हूँ भाई, ज़्यादा डैमेज देगा। ओके भाई, मेगा पंच से एब्रा हो गया फेंडेड, ठीक है। एक्सपीरियंस मिला 234 एंड कैरी अबाउट टू यूज रैडेटा, तू रैडेटा यूज़ करेगा ना, तो ये ले भाई मेगा पंच का। भाई तेरे रैडेटा ने भी मेरे पिकाचू को भी फेंडेड किया था, लेकिन इस बार नहीं करने दूंगा। अबे हाइपर फैंग यूज़ किया साले ने, ठीक है भाई। एक और मेगा पंच, नाइस, रैडेटा हो गया फेंडेड। आ जा भाई अब बल्बसोर, आ भाई तेरा बदला लूँगा मैं अपना लास्ट मैच का, आ जा। ओके, ओ शिट ब्रो, अटैक मिस हो गया, बल्बसोर ने टैकल यूज़ किया। एक और देता हूँ भाई, फिर से अटैक मिस हो गया, पता नहीं ये अटैक क्यों मिस हो रहा है अपने पिकाचू का, क्योंकि पिकाचू ज़्यादा फास्ट है इसीलिए। तो फाइनली क्विक अटैक तो लगा भाई, लीच सीट फेल दिया साले ने। अब तो अपना एचपी चूसेगा साला। अबे पिकाचू का अटैक क्यों मिस हो रहा है, एक लग जा भाई, ठीक है लग गया। ओके, इसने वाइन विप से हरा दिया पिकाचू को, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन वाटर टल अभी ज़िंदा है, तो वाटर टल यूज़ बबल बीम भाई, बबल बीम से साले को उड़ा भाई, मुझे लगा कि मर जाएगा लेकिन कोई बात नहीं। ओ भाई वाइन विप प्रो, ओके बाइट, इस बार तो तू मरेगा, पक्का मरेगा, तू बचने नहीं वाला। इस बार टैकल क्यों यूज़ कर रहा है, अटैक करना भाई वाइन विप का, वाइन विप का डर गया क्या, ग्रोल क्यों यूज़ कर रहा है, अटैक दम है तो करना। ओह शिट, ग्रोल फिर से साला ग्रोल यूज़ कर रहा है, एक मिनट भाई, ये ले तू वाटल ले भाई, वाटल गन से शायद डैमेज नहीं मिलेगा उसको, ठीक है थोड़ा सा एचपी बच चुका है। टैकल फिर से इसने यूज़ किया टैकल, एक फाइनल वाटर गन से बल्बसोर को कर दिया मैंने फेंडेड एंड अपना रिवेंज भी ले लिया। वाटल गेन 232 एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम्स हारा था साले से मैं, ठीक है। अपना वाटर टेल 21 लेवल का हो गया, हे टेक इट ईजी यू वन ऑलरेडी, लेकिन पहले तो तूने हराया ना, अभी मैं गुस्सा हूँ। हे गेस व्हाट, आई वांट टू बिल एंड गॉट हिम टू शो मी हिज रेयर पोकेमोन, तो उसके रेयर पोकेमोन देखने के लिए गया था तू बिल के पास। दैट एडेड ए लॉट ऑफ पेज टू माई पोकेडेक्स, मुझे नहीं करना पोकेडेक्स कंप्लीट, तू कर भाई। आफ्टर ऑल पिल ओल्ड फेमस एज ए पोकेमैनियाक, मैनियाक ही इन्वेंटेड द पोकेमोन स्टोरेज सिस्टम ऑन पीसी, सिंस यू आर यूजिंग हिज सिस्टम गो थैंक हिम। ओके ब्रो, थैंक तो मैं बोल दूंगा जब मैं उससे मिलूंगा। वेल आई बेटर गेट ट्रोलिंग, भाई मैं क्यों भूल जाता हूँ इस वर्ड को गूगल करना। स्मेल यू लेटर, स्मेल यू लेटर, स्मेल लेटर, आई डोंट नो ब्रो। तो भाई हील करके आता हूँ, इधर नगर ब्रिज में भी बहुत बैटल करना होगा मुझे। एंड पिजी किधर मिलेगा ब्रो, पिजी पकड़ना है मुझे, ठीक है आगे बढ़ते ब्रो। ओ वो वो ओ भाई मिल गया एक बंदा, दिस इज नगर ब्रिज, बीट अस 5 ट्रेनर एंड विन ए फैबुलस प्राइज, थिंक यू गॉट व्हाट इट टेक्स। ओके, मैं मुझे इस ब्रिज में जो भी 5 ट्रेनर है इनको हराना होगा, उसके बाद मुझे एक नगेट मिलेगा, तो ठीक है जल्दी से हराते हैं ब्रो। कैट है पी, तेरे पास एक कैट है पी। ओके नेक्स्ट जिम कौन सा है, और नेक्स्ट जिम के लिए मुझे कोई पोकेमोन पकड़ना होगा या फिर पिकाचू हरा सकता है। बस मुझे पिकाचू को कोई एक पावरफुल ग्राउंड टाइप अटैक सिखाना होगा, उसके बाद पिकाचू हरा सकता है आई गेस। पिकाचू यूज थंडर शॉक, इस कैडेबी को फेंडेड कर भाई जल्दी से, ठीक है कैडेबी को तो फेंडेड कर दिया। एंड फिर से ये यूज़ करने वाला है कैडेबी नहीं वीडेल, ठीक है मुझे लगा कि फिर से कोई कैडेबी होगा, लेकिन नहीं वीडेल था। दो थंडर शॉक मारना पड़ा मुझे इसके ऊपर, उसके बाद ही ये फेंडेड हुआ, ठीक है भाई वीडेल को तो फेंडेड कर दिया। एंड एक्सपीरियंस भी मिल गया, और भी 4 ट्रेनर बाकी है अभी इधर हराने को। ओह गुड स्टफ, हाँ आई डिड माई बेस्ट, आई हैव नो रिग्रेट,
रिग्रेट करने को कौन बोल रहा है, और उसे रिग्रेट करके क्या करोगे। एंड सेकेंड नाउ इट्स ए सीरियस, तो ये सेकेंड है यानी ये सीरियस है, इसके सीरियसनेस को मैं तोड़ूंगा। तो पिकाचू यूज थंडर शॉक, ओ भाई साले ने क्विक अटैक यूज़ किया इसलिए पहले अटैक लग गया अपना, लेकिन थंडर शॉक से ये फेंटेड जरूर होगा। ओके मुझे लगा कि एक ही अटैक से फेंटेड हो जाएगा, लेकिन होता क्यों नहीं, लगता तो मुझे सब बार ही लेकिन होता नहीं एक बार भी। ओके ये तो गया पिकाचू ग्रो टू लेवल 20, ठीक है भाई 20 लेवल का तो फाइनली लौंडा हो गया अपना। नीडोरैन को अपना वाटर टेल पेलेगा भाई, वाटर टेल अपना पावरफुल अटैकर बबल बी मैन, एक अटैक से इसे फेंडेड कर जल्दी से। ओ भाई फेंडेड नहीं हुआ, बस गया यानी पॉइजन स्टिक भी यूज़ कर लिया, ठीक है एक और वटागन नाइस गया ये नीडोरैन, दो अटैक करना पड़ा मुझे इस छोटे से पोकेमोन को हराने के लिए, ठीक है। लैस हाउ कुड आई लूज, मुझे क्या पता ब्रो क्यों हारी तुम, आई जस्ट बीट यू दैट्स व्हाई यू लूज, आई डिड माई बेस्ट आई हैव नो रिग्रेट। अबे ये डायलॉग कितने बार बोलेंगे, सब यही रट्टा मारेंगे क्या। हियर नंबर 3 आई वॉन्ट बीन ईजी, ये तो बोलना बोल रहा है कि मैं तो ईजी नहीं हूँ तेरे लिए, देखते हैं भाई ईजी है या हार्ड। ओके ये तो एक बच्चा है, ठीक है आ जा भाई तेरे रेडेटा लेके। ओके 14 लेवल का रेडेटा, ये ले कभी मेगा पंच खाया है क्या तेरे रेडेटा ने, नहीं खाया है तो ये ले भाई खा के देख ले। ओके खा लिया अब फेंडेड हो जा, ठीक है फेंडेड तो हो गया तू। इसके पास 3 पोकेमोन है, एक एकेंस, इसके ऊपर भी मैं मेगा पंच ही यूज़ करूँगा क्योंकि ज़्यादा डैमेज देगा थंडर शॉक से तुम्हें पता है ना। ओके थोड़ा सा एचपी बच गया था साले का, लेकिन रुको भाई कुक अटैक से इसे कंप्लीट फेंडेड करता हूँ इस स्नेक को। तो ठीक है ये गया एक और ट्रेनर, ट्रेनर है भाई पोकेमोन, ट्रेनर तो बहुत सारे हैं इधर। जू बैट के ऊपर मुझे क्विक अटैक नहीं थंडर शॉक यूज़ करना था, लेकिन गलती से फ्लो में निकल गया, लेकिन ठीक है भाई डैमेज तो दिया अपने पिकाचू ने। एक और थंडर शॉक ब्रो कम ऑन, ठीक है भाई जू बैट तो गया नाइस, एंड इस नंबर 3 को भी हरा दिया। ये बंदा बोल रहा था कि ये इजी नहीं है, लेकिन आराम से हार गया मुझसे। आई डिड माई बेस्ट आई हैव नो रिग्रेट, रिग्रेट रखने को बोल कौन रहा है भाई। आई एम नंबर 4 गेटिंग टायर्ड, नहीं टायर्ड नहीं हूँ बस मुझे नींद आ रहा है भाई। ओके ये लैस के पास 2 पोकेमोन है, एक है पीजी जो कि 16 लेवल का है, एंड सेकेंड कौन सा है मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने देखा नहीं ना, अब देखने वाला हूँ एंड अब मैं तुम्हें बताऊँगा। तो ये सेकेंड पोकेमोन में है नीडोरैन, एंड नीडोरैन को अपना वाटर टेल पता है ना कितने आराम से हरा सकता है, तो बबल बीम, एक और बबल बीम गया भाई ये वाटर टेल। आई लॉस्ट 2 यस सब हारे जाएंगे मुझसे, आई डिड माई बेस्ट आई सो आई हैव नो रिग्रेट। ओके आई एम नंबर 5 आई विल स्टम्प यू, ओके तू मुझे स्टम्प करेगा, इतना बड़ा तू नहीं हो चुका है ब्रो जो कि तू सब स्टम्प करेगा मेरे को। ओके तेरे पास मैंकी है एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन, ये ले भाई थंडर शॉक ले, फेंडेड तो होना चाहिए भाई तू हुआ नहीं, उठला मेरे ऊपर स्क्रैच यूज़ करेगा, ये ले भाई एक और थंडर शॉक ले। ओ थंडर शॉक मिस हो गया अपना, ठीक है मैं तुझे बताता हूँ एक और थंडर शॉक दे के। अबे थोड़ा सा एचपी बच चुका है, पैरालाइज हो गया है बंदा, कराटे चॉप मारेगा तू मेरे को भाई, पिकाचू को फेंडेड कर दिया इस कमीने ने, पता नहीं कैसे इसके पास इतना पावर आ गया लास्ट में। टैकल से ये तो फेंडेड हो गया, वाह टू मच तो मेरे लिए हो गया भाई, मुझे लगा कि पिकाचू फेंडेड नहीं होगा लेकिन फेंडेड हो गया। आई डिड माई बेस्ट आई हैव नो रिग्रेट, ठीक है भाई तेरे को रिग्रेट करने को बोल भी नहीं रहा हूँ मैं। तो बंदे चलो चलते हैं पोकेमोन सेंटर एंड हील कर लेता हूँ मैं सबसे पहले, एंड देन वापस चलते हैं नगेट ब्रिज अपना प्राइज लेने। ब्रो 5 ट्रेनर को तो बीस्ट कर लिया है मैंने, ये लास्ट में ये बंदा ही देने वाला है शायद मुझे। कॉन्ग्रेचुलेसन यू बीट आवर 5 कॉन्टेस्ट ट्रेनर, यू जस्ट अर्न ए फेबुलस प्राइज। ओके एक नगेट मिला मुझे, इससे बेच के मैं मनी कमा सकता हूँ। By the way, will you like to join Team Rocket? No, मुझे नहीं करना join Team Rocket में join हो फालतू सा losers के gang में join। We are a group detective
टू ईविल, डेडिकेटेड टू ईविल यूजिंग पोकेमोन, क्या बक रहा था मैं। वांट टू जॉइन, आर यू श्योर, नहीं भाई ज्वाइन नहीं करना, कम ऑन जॉइन अस, नहीं आई एम टेलिंग यू टू जॉइन, ओके यू नीड टू कन्फेसिंग, आई विल मेक यू ए ऑफर यू कैंट रिफ्यूज, भाई कौन सा ऑफर के बारे में बात कर रहा है बंदा, ओके बैटल करना चाहता है तू तो ये ले, अच्छा ये मुझे ऑफर देगा तो मैं उस ऑफर को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, ये कौन का लॉजिक है ब्रो, लॉजिक तो सुसाइड कर रहा है ना तुम्हारे स्नेक को गले में लगा के, ठीक है ये एकेंस तो गया, ओके जूबैट को भी मैं हरा सकता हूँ आराम से, तो जूबैट तैयार हो जा भाई, मेगा पंच नहीं भाई थंडर शॉक मारना था, लेकिन कोई बात नहीं मेगा पंच मारा तो ठीक है, फेंटर तो हुआ साला, ठीक है भाई ओके, इस बंदे को भी हरा दिया जो टीम रॉकेट को प्रमोट कर रहा था, आप बता, विद योर एबिलिटी यू कुड बिकम ए टॉप लीडर इन टीम रॉकेट, वैसे भी मैं बन सकता हूँ फेमस क्योंकि मैं तो चैम्पियन बनने वाला हूँ, तो वैसे भी फेमस हूँ भाई, तेरा ऑफर तेरे पास ही रख, मुझे नहीं चाहिए तेरा ऑफर फॉफर भाई, इधर मुझे एक आइटम मिला, देखते हैं ये आइटम क्या है, TM44, वो एक TM है भाई, TM44 कौन सा अटैक है देखना पड़ेगा भाई, TM44 ब्रदर, TM44 है थंडर वेव को पिकाचू सीख सकता है, लेकिन पिकाचू तो पहले से ही आता है तो नहीं सिखाने वाला मैं थंडर वेव, किसी दूसरे पोकेमोन को देखते हैं भाई अगर होगा तो, ओ भाई हाइकर, आई जस्ट गॉट डाउन फ्रॉम माउंटेन मून बट आई एम रेडी, ये अभी माउंटेन मून से आया है और ये अभी तैयार है, इसके पास मैचअप है तो जल्दी से दो थंडर शॉक मारता हूँ एंड मैचअप को फेंडर करता हूँ, एंड पिकाचू ग्रो टू लेवल 21, या हाइकर इज अबाउट टू यूज जियो डूड, भाई जियो डूड के लिए स्पेशल बंदा है मेरे पास, आजा भाई वाटर टेल, ये अपना वाटर गन जरा छिड़को इसके ऊपर, ओके जियो डूड हो गया फेंडेड, नाइस, ओ भाई वाटर टेल को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिल रहा है इधर, यू वर्क इट हार्ड, मैंने कोई हार्ड वर्क नहीं किया बस मैंने तुम्हें हरा दिया, दैट सिंपल, ड्रैड ए जूबैट बिट मी बैक इन द केव, इसको जूबैट ने क्यों बिट किया भाई, इसका खून चूसना था क्या जूबैट को, आई डोंट नो ब्रो, एक और ट्रेनर, आहो लोकल ट्रेनर कम हेयर टू प्रैक्टिस, तो ये इधर का लोकल ट्रेनर है यानी इधर आया है प्रैक्टिस करने, तो आ जा भाई तेरे पास है रेडेटा ये ले भाई, मेगा पंच खा भाई, तेरे दांत बहुत बड़े हैं मेगा खाने के लिए, ओ भाई टेल वेब की ऐसी की तैसी भाई, जल्दी से मरना तू, इतना क्यों उछल रही है, ठीक है गया भाई रेडेटा तो गया, स्पेरो को अपना हरा सकता है पिकाचू, बस उसे एक थंडर शॉक अटैक यूज़ करना पड़ेगा एंड देन स्पेरो ग्राउंड पे, ठीक है स्पेरो भी गया, और भी बहुत सारे ट्रेनर हैं, सबसे बैटल करना पड़ेगा क्या, यू आर डिसेंट, मैं डिसेंट हूँ ब्रो, आई एम द चैम्पियन, आई एम द फ्यूचर चैम्पियन ब्रो, ऑल पोकेमोन हैव वीकनेस, इट्स बेस्ट टू राइज डिफरेंट काइंड, या ब्रो सब हर पोकेमोन का एक वीकनेस है, यू आर गोइंग टू सी बिल फर्स्ट लेट फाइट, हाँ मैं बिल के पास जा रहा हूँ भाई, तुझे कैसे पता, तू कोई FBI का जासूस है जो तुझे पता है, ओ हाइकर ठीक है, हाइकर को तो मैं हरा नहीं सकता, लेकिन अपना वाटर टैल हरा सकता है क्योंकि इसके पास टैकल भी है एंड क्या बोलते हैं ये अटैक भी है बबल बीम, तू तो गया भाई ऑनिक्स तो गया, एंड वाटर टैल ग्रो टू लेवल 22, अपना वाटर टेल 22 लेवल का हो गया भाई, आहा दी ट्रायल ब्लू इज ए शॉर्टकट ऑफ टू सिरुलिन सिटी, ओके या ब्रो सिरुलिन सिटी में दूसरी जगह से भी आ सकता हूँ, शॉर्टकट था वो ट्रायल ब्लू, डैड टुक मी टू ए ग्रेट पार्टी ऑन SSN एट परमिलियन सिटी, मैं भी जाने वाला हूँ SSN, देख तू सिर्फ, ओके तेरे पास है स्लो पोक, भाई स्लो पोक को तो आराम से अपना पिकाचू हरा सकता है क्योंकि स्लो पोक है वाटर टाइप एंड पिकाचू है इलेक्ट्रिक टाइप, दो अटैक करना पड़ा वो अलग बात है, लेकिन पिकाचू के पास ज़्यादा एडवांटेज है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है, भाई स्लो पोक
ने कंफ्यूज कर दिया है पिकाचू को, वो खुद को ही अटैक कर रहा है भाई। फेंडरेस मत हो भाई, सीधा अटैक करना भाई। ओह शिट ब्रो, स्लोपोक तो गया, अब मुझे वाटर टेल ही यूज़ करना पड़ेगा। तो बबल बीम, ओके दो बबल बीम यूज़ करना पड़ा, उसके बाद ये वो क्या बोलते हैं भाई, ये स्लोपोक गया। ठीक है, ऑन SSN आई सॉ ट्रेनर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, इसने दूसरे मतलब पूरी दुनिया। ओह शिट ब्रो, ये क्या हो गया। ठीक है, क्या करूँगा मैं SSN शिप का, वैसे भी मैं जाने वाला हूँ। हाई माई बॉयफ्रेंड इज कूल, मैं भी कूल हूँ, बनाऊँगी बॉयफ्रेंड। ठीक है नीरो रैन, तैयार हो जा भाई वाटर गन के लिए। ये फीमेल वाला लीडो रैन है शायद, आई डोंट नो ब्रो, मुझे ये सिंबल नहीं पता। तो दो वाटर गन से ये फेंडेड हो गया, एंड ये मेल वाला है शायद, नहीं ये फीमेल वाला है, वो मेल वाला था, आई डोंट नो ब्रो, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, तुम बताओ, बाद में मैं देख लूँगा कौन फीमेल है कौन मेल है। ओके नीडो रैन भाई, क्रोल क्यू कुछ पावरफुल अटैक करता अभी मज़ा आता, लेकिन कोई बात नहीं, नीडो रैन तो गया भाई। एंड अपना 36 मिनट तक मैंने रिकॉर्ड कर लिया, आई वॉज इन बैड कंडीशन, अभी हारने के बाद तो बहाना बनाना पड़ेगा तुम्हें। आई विश माई गाय वॉज कूल गुड एज यू, भाई ऐसा कोई गाय ढूंढ लो जो गुड है। अबे इससे तो बात किया मैंने ना, एक हाइकर आ जा भाई, तू भी पैडल कर ले, फ्री का पैडल करने मिल रहा है। आई एम ऑफ टू सी पोकेमोन कलेक्टर एट द केव, ओके तो ये पोकेमोन कलेक्टर के बारे में बात करा जो कि केव में है, यानी इधर भाई इसके पास तो चार वो रॉक टाइप पोकेमोन है, सबको मैं फास्ट फॉरवर्ड में हरा रहा हूँ क्यों पता नहीं। वाटर टेल ग्रो टू लेवल 23, मुझे लगा कि करना चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है मैच ऑफ गया, एक जियो डूड है ये भी गया। यू गॉट मी, या मैंने तुम्हें पकड़ लिया। द कलेक्टर हैज़ मैनी रेयर काइंड ऑफ पोकेमोन, बहुत रेयर काइंड पोकेमोन है इसके पास, लेकिन मुझे तो आज तक एक भी नहीं दिखा। साले ने SSN टिकट देके अपना पोकेमोन नहीं दिखा। आई हैव ए कूल गाय, आई गॉट ए गर्लफ्रेंड, ओके गर्लफ्रेंड लेके क्या करना है तुझे, कर लेकिन मुझसे बैटल कर जल्दी से ब्रो। तो ठीक है, इसके पास है रैडेटा जो कि 14 लेवल का है, तो जल्दी से मैं इस रैडेटा को हराता हूँ एंड बिल के पास चलता हूँ ब्रो, एंड बिल से SSN शिप का टिकट लूँगा, उसके बाद मैं बर्मिलियन सिटी जाने वाला हूँ। ओके एकन से इस लड़के के पास जो कि 14 लेवल का है, तो बबल बीम यूज़ करते भाई, मुझे लगा कि बबल बीम ज़्यादा पावरफुल होगा वाटर गन से, थोड़ा पावरफुल है लगता है, आई डोंट नो ब्रो, तुम्हें पता है क्या, तुम बताओ ना कमेंट में, तुम कुछ बोलते नहीं, एंड चैनल को तो सब्सक्राइब ही नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। वेल माई गर्ल विल चेयर मी अप, ओके चेयर वीप करेंगे, कब करेंगे पता नहीं। मुझे इधर एक आइटम मिला और ये है TM19, कौन सा अटैक है ये TM19, देखने दो मुझे, उसके बाद बताता हूँ तुम्हें। ये है सैस्मिक टॉस कौन सीख सकता है, दोनों ही सीख सकता है, लेकिन पिकाचू को मैं सिखाने वाला हूँ सैस्मिक टॉस, एंड थंडर वेव को हटा के मैंने सिखा दिया है सैस्मिक टॉस, एंड आगे बढ़ते ब्रो। एंड क्या कर लगा के रखा है भाई, आ जा भाई, आई न्यू आई हैड ए फाइट, ओके फाइट यू, ओके इसे पता था इसे मुझसे बैटल करना है भाई, कम ऑन बबल बीम एकेंस गया, सैंशू भी गया, वाटर टेल ग्रो टू लेवल 24, एंड ओ भाई बाइट अटैक सीखने की कोशिश कर रहा है अपना बंदा, तो सिखा दूँ क्या इसे, ओके तो टैकल को हटा के मैं बाइट सिखाने वाला हूँ, बाइट पता नहीं मैंने क्यों सिखाया, वैसे बाइट इतना पावरफुल अटैक नहीं है शायद टैकल से, फिर भी सिखा दे, आई डोंट नो ब्रो, देखना पड़ेगा मुझे। आई न्यू आई हैड टू लूज, अबे ये सब पता है, ये अंतर्यामी है, ज्ञानी है। इफ़ यूर पोकेमोन गेट्स कन्फ्यूज और फॉल स्लीप स्विच इट, ओके ठीक है, थैंक यू फॉर डूइंग दिस, ओके एक और ग्रिल, माई फ्रेंड हैज़ क्यूर पोकेमोन, आई एम सो जेलस, तो मैं क्या करूँ, मेरे पोकेमोन चाहिए तुम्हें, कभी नहीं मिलेगा, तो बाइट अटैक यूज़ करते हैं ब्रो। ओ भाई बाइट अटैक देखो भाई, वॉडिश के ऊपर कितना इफेक्ट किया, ठीक है मुझे लगा कि इफेक्ट ही नहीं करेगा, एक और बाइट अटैक,
भाई ठीक है, नाइस है भाई। पिजी अब गेस्ट यूज कराया मैं, भाई भाई लगा क्या कर लगा के रखा है भाई। तो ये गया वाट गन, ठीक है फेंडर तो हुआ ये पिजी। एंड अब ये बंदा कौन सा पोकेमोन यूज करेगा, तो ऑडिस यूज करने वाला है ये बंदा। तो ठीक है ब्रो, और इसको बाइट अटैक से फेंडेट करते हैं जल्दी से। ब्रो फेंडेट हो जाना, थोड़ा सा तो एचपी बचा है। एब्जॉर्व करेगा, कितना एब्जॉर्व करेगा, कर अब करके दिखाना ऐसा एब्जॉर्व ब्रो। आई एम नॉट सो जेलेस। ओके तो फिर बोला क्यों, तुम जेलेस नहीं हो तो बोली क्यों मुझसे। यू कम फ्रॉम, बोला क्यों, यू कम फ्रॉम माउंटेन मून, मे आई हैव ए क्लेफरी। मेरे पास नहीं है क्लेफरी, अगर होता तो मैं तुम्हें देता, लेकिन तुमने तो ट्रेड का ऑप्शन नहीं दिया। सी कॉटेज बिल लिव हियर, सी कॉटेज बिल, किधर है बिल, ये रहा बिल। हाय आई एम ए पोकेमोन, नो आई एम नॉट, कॉल मी बिल, आई एम ट्रू ब्लू पोकेमोन ए मिंगनैक। व्हाई व्हाट्स विथ यू दैट स्पेक्टिकल लुक। हाँ बहुत दिनों बाद देख रहे हैं ना इसे तुझे, इसीलिए आई एम नॉट चेसिंग यू, आई स्क्रू अप ए एक्सपेरिमेंट एंड गॉट कंबाइंड विथ ए पोकेमोन, सो हाउ अबाउट इट हेल्प मी आउट हियर। यस ओके ठीक है, मैं पता है मुझे तुम इस मशीन के अंदर जाओगे एंड मुझे सेल सेपरेट सिस्टम ऑन करना होगा। एंड ये तो ऑन कर दिया एंड तुम आ गए। या थैंक यू बट आई ओ यू ऑन, सो आई डिड यू सो डिड यू कम टू सी माई पोकेमोन कलेक्शन, नो यू डोंट, मैं बाद में आऊँगा। दैट्स ब्लॉमर ब्लॉमर बॉमर ब्लॉमर हाँ बॉमर बॉमर आई डोंट नो ब्रो, आई हैव गॉट द गॉट टू थैंक यू, ओ हियर मे बी दिस विल हेल्प यू। तो साले ने मुझे SSN टिकट दे दिया, दी क्यू क्रूशेस क्रूज शिप, दैट क्रूज शिप SSN इज ए वर्मिलियन सिटी, इट्स पैसेंजर ऑल आर ऑल ओके। ठीक है भाई ठीक है पता चल गया मुझे इस टिकट से, बहुत अमीर लोगों का टिकट है, नाइस। फाइनली मैंने बिल से मिल गया मैं, एंड वापस मैं आ गया पोकेमोन सेंटर। एंड इधर मैं करने वाला हूँ सारे पोकेमोन को हील, एंड देन मैं जाऊँगा वर्मिलियन सिटी। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय माई फ्रेंड, टेक केयर योर सेल्फ। ठीक है मुझे अभी बहुत नींद आ रहा है भाई, मैं अभी बात भी कर रहा हूँ नींद में, पता नहीं मैं रिकॉर्ड करने लगा था तब तो ठीक था, लेकिन अब नींद आ रहा है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ब्रो, सब्सक्राइब करो। एंड कुछ दिन के अंदर आ जाएगा फायर रेड, एंड उसके बाद और असासिन क्रीड ब्लड लाइन ये भी। तो अगर तुम्हें वापस से मैं बोलूँगा, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, मिलते हैं अगले एपिसोड में।